लेडीज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लू हेवन के ये हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक के स्वॉचेस। ठीक है, काफी अच्छी लिपस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज बात करेंगे। इनके हैंड स्वॉच, लिप स्वॉच आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक के स्वॉचेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं इस हफ्ते में। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए। बहुत अच्छी रेंज जो है वो मैंने कलेक्ट की है, उसके बाद ये वाली वीडियोस जो है मैं बना रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इसमें 16 शेड्स जो है वो लॉन्च हुए हैं। तो आप आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे खासे शेड के स्वॉचेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनमें से आपको कोई अच्छा लगता है तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डेफिनेटली आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये सभी साइट्स पर अवेलेबल है, लाइक पर्पल पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे आई थिंक नहीं है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ ये अवेलेबल होंगे आपको नीचे सभी के लिंक्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू यू आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग की, तो ये दो तरह की पैकेजिंग में मुझे मिला है। ये देखिए, एक तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुई है। ठीक है, ये कुछ बड़ी पैकेजिंग है और दूसरी है ये छोटी वाली पैकेजिंग। तो अगर आपको छोटी रिसीव हो जाए तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोटी लिपस्टिक देंगे या मिनी आपको मिल गया है। दोनों का साइज बिल्कुल सिमिलर है, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगी, इजिली आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। छोटा बड़ा पैकेजिंग का कोई इशू नहीं है, अंदर से बुलेट आपको सेम तरह की ही मिलेगी। ठीक है, अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, नूड ब्राउन कलर की, हल्का सा मोव का टिंट भी आता है बाहर। पैकेजिंग काफी अच्छी पैकेजिंग इन्होंने दी है, स्लीक है, पतली पैकेजिंग है। इसके ऊपर आपको इसका एक्सपायरी डेट, इसका प्राइस, इसका नाम वगैरह सब कुछ मेंशन है। इनकेस अगर आप पैकेजिंग फेंकना भी चाहते हो तो बाहर का पैकेजिंग जो है वो कार्डबोर्ड फेंक सकते हो, बुलेट अपने पास रख सकते हो, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्लीक है तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। आपको इसमें 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, आप बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर डेली यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, आजकल वैसे भी लड़कियों के पास बहुत सारी लिपस्टिक्स होती है तो कहाँ ख़त्म हो पाती हैं। अगर मैं कुछ शेड्स की बात करूँ तो कुछ एक शेड्स में है जो आपको हल्के फल्के पैची लग सकते हैं। ठीक है, स्वॉचेस में क्लियर हो जाएगा, मैं बहुत क्लियरली वहाँ बताने वाली हूँ। कुछ शेड्स बहुत ज़्यादा क्रीमी हैं, हैंड्स पर ये कुछ ज़्यादा ही क्रीमी हैं। लिप्स के ऊपर जब हम लगाते हैं तो कभी कभी कुछ एक शेड्स हैं जो थोड़े ड्राइंग लग जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, सुपर हाइपर स्टे सुपर मैट। ठीक है, तो सुपर मैट है तो आपको थोड़ा बहुत इसके नीचे लिप बाम जो है वो लगाना पड़ेगा। बट लिप बाम लगाने के बाद क्या होता है कि हल्का फुल्का ये निकलते हैं, जब तक ये पूरे सेट नहीं हो जाते। सूखने में, मतलब ड्राई होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप कोई लिप बाम वगैरह यूज़ कर रहे हो इसके नीचे तो थोड़ा सा इसमें वक्त लग जाता है ड्राई होने में। इसके अलावा इसमें कोई खामी नहीं है। शेड रेंज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे शेड्स हैं। मेरा जो इसमें फेवरेट शेड है, आगे जाके आप देखने वाले हो, मुझे ये म्यूटेड रोज़ कुछ इस तरह का शेड है यहाँ पे, लेट मी सी वन सेकेंड। हाँ, ये म्यूटेड रोज शेड है, बहुत अच्छा शेड है ये, नेचुरल, बहुत नेचुरल सा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आगे स्वॉच जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहले इसके स्वॉचेज ही देख लेते हैं। सो लेडीज, द फर्स्ट शेड इज कुकी चिप। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड। ठीक है, बेसिक ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन शेड होता ना, ये बिल्कुल वैसा दिखता है। ठीक है, एक्चुअली में चॉकलेट ब्राउन शेड आपको चाहिए ना तो ये बिल्कुल वैसा दिखता है। ठीक है, हल्का सा इसमें टिंट आता है ऑरेंज का, बहुत हल्का सा, बट ये प्रॉपर चॉकलेट ब्राउन शेड आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका स्वॉच मैंने आपको हैंड स्वॉच दिखा दिया। लिप्स पे लगाया मैंने ये जब, तो अभी आप देखो कि हल्की सी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। ये पर्टिकुलर शेड है जिसमें मुझे ये वाली प्रॉब्लम आई थी कि ये ना थोड़ा ड्राइंग लग रहा है। ठीक है, मैंने बिना लिप बाम के अप्लाई करके दिखाया पहले आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये शेड लेना है, आपको पसंद आ रहा है, आपको यही लेना है, तो आपको अपना लिप बाम पहले लगा लेना है, उसके बाद हल्के से टिश्यू के साथ उसको रिमूव कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं इसको बिल्ड कर रही थी ना तो एक लेयर सी क्रिएट हो रही थी बार बार, और ये जब मैं उसको मम्मिंग करती हूँ तो वो निकल रहा था। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इसके नीचे वैजलीन या कुछ भी अपना लिप बाम जो है वो अप्लाई कर लेना है। शेड बहुत अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक ही ऐसा शेड है जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। कईयों की फॉर्मुलेशन में हो जाता है, डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से ये वाली दिक्कत आती है। अदरवाइज़ बाकी शेड्स बहुत अच्छे थे।
इसीलिए ये शेड मैंने सबसे पहले आपको दिखा दिया, ताकि अगर आप आगे जा रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए। और ये ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती, एक बार लग जाए उसके बाद ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखो आपके सामने सामने ही लगी है और सामने सामने ही ड्राई हो गई है, दैट इज़ वाई हो सकता है ना इसमें थोड़ा ड्राइंग का इशू हो, इसीलिए थोड़ी सी पैची पैची सी लग रही थी। उसके बाद है ये बेक्ड ब्राउन, ठीक है, 713, बहुत सुंदर शेड था ये, मेरा सबसे फेवरेट शेड है। नहीं, इससे ज़्यादा एक और फेवरेट शेड है, वो आगे जाके आएगा। ये एक रस्टिक ब्राउन शेड है, प्रॉपर आपको रस्ट ब्राउन शेड अगर चाहिए तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मैंने विदाउट लिप बाम इसको अप्लाई करा था, ठीक है, मैं लिप बाम के साथ भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी आगे, बट ये विदाउट लिप बाम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इसकी फॉर्मुलेशन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बिना लिप बाम के अप्लाई कर सकते हो इजीली, कहीं आपको जल्दी में जाना है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप हल्का फुल्का जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट शेड देखो, हाफ फिंगर लगाने पर भी रिमूव हो रहा था, ठीक है, तो ये दिक्कत थी फर्स्ट वाले शेड में, तो दोबारा मुझे टेस्ट करना था, दैट इज़ वाई मैंने, हाँ ये देखो ये निकल रहा था, ठीक है, फर्स्ट वाला शेड जो था वो निकल रहा था। गला मेरा काफ़ी ख़राब है, ठीक है। सेकंड वाले का ये देखिए, बहुत सुंदर शेड था ये, बहुत ज़्यादा सुंदर शेड था, लिप्स के ऊपर लगा हुआ ये और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। रेगुलर में लगा सकते हो, पार्टी वगैरह में भी लगा सकते हो, अगर आपका आउटफिट कुछ भी ब्लैक कलर का है या ब्लू कलर का भी है तो उसके साथ ये शेड बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ग्रीन के साथ भी इवन ये बहुत अच्छे से जाता है, तो ये एक शेड होना है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर शेड है जो हर एक के पास होना चाहिए, गर्ल्स के मीडियम हो, फेयर हो या डस्की भी हो तो भी आपके ऊपर ये चल जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको शेड दिखा रही हूँ वो है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड म्यूटेड ब्राउन, म्यूटेड रोज़, एंड दिस इज़ द फेवरेट शेड अमंग ऑल द दिस सीरीज़, ठीक है, ये वाली सारी लिपस्टिक्स में से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही आया था। बहुत सुंदर पिंक और हल्का सा बेरी का ये मिक्स है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, और इसमें भी फॉर्मुलेशन की कोई कमी नहीं है, बट इसको मैंने लिप बाम के साथ अप्लाई करा था। अब जैसे मैंने ये लिप बाम लगाई है ना, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो लिप बाम के, देन इसको अप्लाई कर सकते हो, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज हो चुके होते हैं, ठीक है। सो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप लिप बाम रख के इसको अप्लाई कर सकते हो, या लिप बाम को रिमूव करके भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लिप बाम रिमूव करके अप्लाई करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग पावर जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक डेली शेड है, देख रहे हो, नेचुरल फ्लैश ऑफ कलर ये लग रहा है, नेचुरल, जैसे आपके लिप्स जो है वो पिंक लग रहे होते हैं, फ्लैशी फ्लैशी लग रहे होते हैं। मैंने विदाउट मेकअप इसको अप्लाई करा है, मेकअप के साथ ये और भी ज़्यादा उठ के आ रही थी। मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ अभी, तो वीडियो काफ़ी देर बाद मैंने इसको एडिट करा है, सो मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी। नेक्स्ट इज़ रस्टिक रेड शेड, ठीक है, ये हल्का रेड का टिंच देता है, बट इसमें हल्के ब्राउन के अंडरटोन्स भी आते हैं। कुछ मैंने इसमें ना नाम पढ़े हैं ब्लू में, रेड सांगुरिया कुछ करके, तो ये कुछ उस तरह का रेडिश सा शेड है, ठीक है, उस रेंज में जाता है, हल्का ब्राउन टोन का है। अगर आपको म्यूटेड रेड शेड चाहिए तो आप ले सकते हो, ये वार्म टोन रेड शेड है, ठीक है, वार्म अंडरटोन है इसके अंदर, येलो के काफ़ी आपको हिंट्स इसके अंदर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रिटी शेड है जिनको रेड अच्छे लगते हैं, और ये सभी स्किन टोन्स के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ द फोर शेड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक करके जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा, आगे की वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के लिपस्टिक के स्वॉचेस और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज लाने वाली हूँ, तो वीडियोस को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा, रील्स बहुत सारी आती रहती हैं वहां देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।